नमस्ते, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, अब कोरोना मुर्दाबाद। आइए बेटा, अगली हेडिंग हम लोग लेते हैं आज, विद्युत रसायन में विद्युत लेपन। विद्युत रसायन में विद्युत लेपन बेटा, ये इम्पोर्टेंट कम है लेकिन तुम लोगों के लाइफ भी बहुत काम करेगा, इसलिए इसको पढ़ना जो जरूरी है, परीक्षा में आए या नहीं आए। देखिए, सस्ती धातु पर महंगी धातु का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अरे यार, क्या दिक्कत है? जैसे कि तांबा हो, तांबे पर सोने की पानी चढ़ा दो, तांबे पर सोने की पानी चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अरे भाई, या एल्युमिनियम का गहना बनवा दो और उस पर चांदी का पर्स चढ़वा दो, वो भी विद्युत लेपन है। तो इसका सिद्धांत क्या है? अरे भाई, जो विद्युत बटनी सेल का सिद्धांत, वोल्टामीटर सिद्धांत, वही इसका सिद्धांत है। माने यह रेडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, माने एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, और इस पर जो है सस्ती धातु पर महंगी धातु का पर्द चढ़ जाएगा। अब देखिए रचना क्या है, वही वोल्टामीटर लिए है, विद्युत बटनी सेल लिए है। अब विद्युत बटनी सेल में क्या होता है, दो क्षण होता है, एक क्षण एनोड का काम करेगा, एक कैथोड काम करेगा। बेटा ध्यान दो, जैसे हमको तांबे का कंगन है, ये देखो कंगन कितना अच्छा बना है तुम लोगों के लिए बेटा, तो ये अरे भाई आप लोगों की नींद नहीं चली इसमें। जैसे तांबे का कंगन है और तांबे के कंगन पर हमको सोने का पानी चढ़ाना है, तो अब क्या काम करते हैं, इसको हम जो तांबे का कंगन बेटा कैथोड पर लगाए हैं, कैथोड पर लगा दिए हैं, और उसके बाद में अशुद्ध सोने का पानी चढ़ाना है, इसलिए उसका सोने के क्षण का एनोड बना दिए, शुद्ध सोने के क्षण का एनोड बना दिए है। अरे भाई, सिंपल सी बात है, बैटरी का धन सीधा इधर जोड़े हैं तो धारा इससे प्रवेश करेगा, जिस क्षण में धारा प्रवेश करता है उसे एनोड कहते हैं, और धारा इधर से निकल गया, जिस क्षण से धारा बाहर निकलता बेटा उसे कैथोड कहते हैं। ये रचना हो गया। और विद्युत अपघट पदार्थ के रूप में इसमें जली विलयन के रूप में बेटा पोटेशियम डाइसायनो आयरन का विद्युत अपघट पदार्थ लिए हैं, जिससे परिपथ पूरा हो धारा बहे बेटा। अब देखिए ये तो रचना हो गया, क्रियाविधि क्या है जानते हैं। जो सोना है एयू है, एयू जो होगा एनोड पर, जो एयू है यह जाएगा, यह एयू प्लस में बदल जाएगा बेटा, एयू धनायन में इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी, और ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ होता है बेटा, आप जानते हैं एनोड पर, है ना। उसके बाद में अब इसमें जब विलयन में आ जाएगा बेटा, तो ये एयु धनात्मक आयन इसकी धनायन है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अब देखो इस पर ऑक्सीकरण हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर आएगा, ये जो धनायन है कैथोड पास जाएगा, इसी पर जो एयु धनायन है बेटा यह जाएगा इसके पास, कैथोड के पास जाएगा, और कैथोड से कहेगा प्लीज गिव मी इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए, और वहीं जाकर चिपक जाएगा, और चिपक करके वहीं उदासीन हो जाएगा, और फिर तांबे पर सोने की परत चढ़ जाएगी बेटा। यहाँ पर कौन सा क्रिया हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कौन सा होगा बेटा, अपचयन। अब कहाँ पर होगा बेटा, ये होगा आपका कैथोड पर, कहाँ होगा बेटा, कैथोड पर। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दोनों को बेटा आई लिख लेते हैं, आइए लिख लिया जाए बेटा, कंप्लीट कर लिया नोट्स में फेयर में। तो विद्युत अपघटन के द्वारा सस्ती धातु की सतह पर महंगी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, है ना। अरे भाई, जैसे कि तांबा का कंगन है, उसमें सोने का कलई करना, कलई मतलब रंग चढ़ाना है बेटा, तो अब ये तो सिद्धांत क्या है, यह रिडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रचना में बेटा विद्युत लेपन की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में कराई जाती है, सही बात। देखो विद्युत अपघटनी सेल है ना, ऊपर बैटरी लगा हुआ है, यह जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, बताएं बेटा। इसमें एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट पदार्थ का विलयन भरकर दो इलेक्ट्रोड खड़ा कर देते हैं, एक पात्र होता है विद्युत अपघट पदार्थ, इसमें क्या डालें बेटा, पोटेशियम डाई साइनो आयरन डालें, जो
सोने का पानी चढ़ाना है ना। नंबर दो क्या है, जिस धातु का लेप चढ़ाना होता है उसका एनोड बना देते हैं। नंबर तीन है, जिस धातु पर लेप चढ़ाना होता है, देखो बेटा यहाँ, जिस धातु का लेप चढ़ाना होता है उसका एनोड बनाते हैं। माने भाई अगर हमको जो है सोने का पानी चढ़ाना है तो सोने का एनोड बनाएंगे। नंबर तीन है, जिस धातु पर लेप चढ़ाना होता है उसका कैथोड बनाते हैं। अरे भाई हमको तांबे के कंगन को चढ़ाना है इसलिए इसका कैथोड बना दिए। क्रिया विधि, माने तांबे की वस्तु पर सोने की पर चढ़ानी है। सामने फिगर देख रहे, चित्र में देख रहे हैं ना, तो क्या है, Au = Au पॉजिटिव + इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। एनोड का ऑक्सीकरण क्रिया, उसके हमने कैथोड को कौन किया बेटा, जो Au धनात्मक है भाई, इसमें ऑक्सीकरण हुआ, धनायन रूप में विलयन आ गया और फिर जाकर के वहां कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो जाएगा, उसी पे जम जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा वहां पर। यह जो Au धनायन कैथोड, Au धनायन कैथोड पे जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो कौन क्रिया होता है बेटा, अपचयन होता है। कहां होता है, कैथोड होता है। उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया के फलस्वरूप तांबे की वस्तु पर सोने का परत जमा हो जाता है। ठीक, आइए अगली हेडिंग देखते हैं। आइए अगली हेडिंग बेटा आपका जो है वैद्युत अपघटन के द्वारा धातु का शुद्धिकरण, ये आप लोगों को सिलेबस में है। अभी इसको हम मेटलर्जी वाले पार्ट में भी पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि विद्युत रसायन में ये हेडिंग मिला है सामने, आइए इसको पढ़ लीजिए बेटा। तो देखिए, वैद्युत अपघटन द्वारा धातु का शुद्धिकरण, माने अशुद्ध धातु इस विधि के द्वारा करता है। अशुद्ध धातु से हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। लगभग इसमें जैसे कोई, जैसे मान लीजिए फफोलेदार या प्लिस्टर कापर, कक्षा 10 में पढ़े हैं, फफोलेदार या प्लिस्टर कापर में 98% कापर होता है और 2% अशुद्धियां होती हैं। तो अब 98% को बेटा 99.9999% में बदलने की प्रक्रिया जो होता है इस विधि के द्वारा ही हम करते हैं। समझ गए ना, सिद्धांत क्या है वही, यह भी रिडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रिडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, तो रिडॉक्स क्रिया होगा बेटा। जो अशुद्ध धातु है बेटा आपका 99% में बदलेगा। रचना क्या है इसमें, सामने देखो यार, इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है, देखो है ना, और उसमें जैसे मान लीजिए हमको कापर का शुद्ध करना है, तो कापर सल्फेट का विलयन प्रयोग करते हैं, तो इसमें एक पात्र में कापर सल्फेट का विलयन भर करके या विद्युत अपघटन पदार्थ का विलयन भर करके दो क्षण खड़ा कर देते हैं। अब देखिए, ध्यान समझिए, जिसे शुद्ध करना होता है, जिस धातु को शुद्ध करना होता है, जैसे मान लीजिए ब्रिस्टल कापर को हमको शुद्ध करना है, तो उसका एनोड बनाएंगे। एनोड माने बैटरी का धन से लगाएंगे, जिसमें धारा प्रवेश करना है, अतः एनोड हो गया। और कैथोड पर हम जो है, कैथोड पर हम शुद्ध धातु की छड़ लगा देंगे, कहीं दूसरे विषय हम कहीं जो है किसी दूसरे तरीका से शुद्ध धातु लेकर के उसका हम जो है यहाँ पर कैथोड बना देंगे, तो जब वो शुद्ध होकर आएगा तो पूरा ज्यादा मात्रा हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। क्रिया विधि क्या है बेटा, देखिए क्रिया विधि में जैसे कि ये जो इसका जो कापर है, इसका कापर है, ये क्यूप्रिक आयन में बदलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, कौन सी क्रिया होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण हुआ है तो कहां होगा बेटा, एनोड को होगा, एनोड को होगा। अब देखो, जब इसमें से ये आया Cu डबल पॉजिटिव में धनायन रूप में, अब ये धनायन हो गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैथोड के पास जाएगा, कैथोड पर जाकर के ये क्यूप्रिक आयन कैथोड पे जाएगा, कहे प्लीज, कहेगा प्लीज गिव मी इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ले करके बेटा क्या हो जाएगा, कापर ग्रुप में बदल करके, और वही शुद्ध कापर का जो है कैथोड पे कहेगा बेटा जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो कौन सी क्रिया होगा बेटा, अपचयन होगा, और अपचयन किया कहाँ होता है, कैथोड पर।
कैथोड पर इस प्रकार देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण किया हुआ है और कौन सी बेटा ऑक्सीजन किया हुआ है जिससे रिडॉक्स फलस्वरूप क्या होता है हमको लगभग जो है 99.99% होता है बेटा शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि जो है वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में या धातु के निष्कर्षण में जो है कैथोड किसका बना होता है शुद्ध धातु का या अशुद्ध धातु का। ध्यान दीजिए जो कैथोड होगा वह शुद्ध धातु का बना होता है और जो एनोड होता है वह क्या होता है बेटा अशुद्ध होता है। ये फोलेदार कॉपर या जो है मिश्रित कॉपर क्या होता है जो एनोड है यह क्या होता है आपका अशुद्ध होता है माने एनोड अशुद्ध होगा और कैथोड क्या होता है बेटा शुद्ध होगा तभी जाकर के शुद्ध पर हमको शुद्ध प्राप्त मिलता है। आइए लिखवा देते हैं लिख लिया है आइए लिख कर कंप्लीट करते हैं फेर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इस विधि में लगभग 99.99% माने 99.99% शुद्ध धातु प्राप्त होता है चाहे कॉपर हो कॉपर का मेटलर्जी जिंक हो जिंक का मेटलर्जी एल्युमिनियम हो एल्युमिनियम का अरे सुनो भाई चाहे जो धातु शुद्ध करना बेटा इसी विधि से एकदम प्योर 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 सिद्धांत क्या है यह रिडॉक्स अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है आधारित है। उसके बाद बेटा क्या है रचना क्या है रचना में धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी सेल में कराई जाती है सही बात विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर में कराई जाती है। नंबर एक है बेटा नंबर एक है यहाँ पर इसमें एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट पदार्थ का विद्युत अपघट पदार्थ का गेयर भर कर दो इलेक्ट्रोड खड़ा कर देते हैं सही बात एक पात होता है विद्युत अपघट पदार्थ का जिसमें कॉपर से फिर गेयर भर कर दो इलेक्ट्रोड खड़ा कर देते हैं खड़ा तो किए हैं ना। अब नंबर दो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नंबर दो क्या है अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं भाई जो अशुद्ध है या अशुद्ध धातु है या कोलेदार कॉपर है या क्रिस्टल कॉपर है 98% कॉपर है उसका हम क्या बना लिए एनोड बनाते हैं। नंबर तीन है शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं अरे भाई कहीं दूसरे विषय हमने शुद्ध धातु लाया उसका हमने क्या बना दिया बेटा शुद्ध धातु का बना दिया बेटा कैथोड बना दिया ये भी बेटा जैसे कॉपर कॉपर के दूसरे विषय शुद्ध बनाते हैं उसका कैथोड बना दिया बेटा। क्रियाविधि क्या है क्रियाविधि में माना ब्लिस्टर कॉपर माने ना बेटा बहुविकल्पी में IERT में कई बार आया कि ब्लिस्टर कॉपर में कितने परसेंट शुद्ध कॉपर होता है तो IERT क्वेश्चन बेटा ब्लिस्टर कॉपर या कोलेदार कॉपर में 98% शुद्ध कॉपर होता है तो जब हम यह विधि करते हैं तो माना ब्लिस्टर कॉपर 98% से 99.9% शुद्ध कॉपर प्राप्त करना है ठीक। तो अब क्या करते बेटा यहाँ जो कॉपर है इसका जो कॉपर है ये इस पर एनोड है ना एनोड है देखो भाई यह एनोड है इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होगा जब ऑक्सीकरण क्रिया होगा बेटा ये गलेगा पिघलेगा पिघल करके इलेक्ट्रॉन निकालेगा इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा और क्यूप्रिक आयन होगा बेटा क्यूप्रिक आयन कहाँ आएगा विलयन में आ जाएगा तो कौन सी क्रिया हुआ ऑक्सीकरण क्रिया हुआ एनोड पर हुआ बेटा। और जब क्यूप्रिक आयन विलयन में आया अब इसको चूंकि धनायन है इसको उदासीन होना है इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई धनायन इलेक्ट्रॉन चाहेगा ना तो जाएगा कहेगा कैथोड पास तो क्यूप्रिक आयन कहाँ जाएगा बेटा कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Cu डबल पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन इस पर टू कॉपर और जाकर वही जमा हो जाएगा बेटा तो कौन सी क्रिया हुआ बेटा अपचयन हुआ है कैथोड हुआ है। तो उपरोक्त क्रिया से स्पष्ट है कि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया के फलस्वरूप कैथोड पर शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है अर्थात 99.99% कॉपर प्राप्त होता है बेटा बिल्कुल 100 नहीं पहुंचेगा लेकिन हाँ 99.99% पहुंचा बेटा ओके बाय।